शामिल कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि YouTube Shorts को बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहला स्टेप, अपने YouTube मोबाइल ऐप पर आप साइन इन कीजिए और क्रिएट बटन, जैसा मैंने कहा, उस पर क्लिक कीजिए। आप में से कुछ लोगों को ये बटन या आइकन जो है नीचे की तरफ नजर आएगा स्क्रीन के बीच में, जैसा मैंने कहा, कुछ लोगों को ऊपर राइट में दाहिने तरफ भी ये नजर आ सकता है। दूसरा स्टेप, आप क्रिएट अ शॉर्ट ऑप्शन, जैसे मैंने कहा, अगर आपको नजर आ रहा है उस पर आप क्लिक कीजिए और फिर आपको हमारे शॉर्ट्स बीटा कैमरा पर ले जाया जाएगा, आपकी स्क्रीन पे जो तीसरी इमेज या चित्र आपको दिख रहा है। अब बात करते हैं अपने शॉर्ट्स में, यूट्यूब शॉर्ट्स में संगीत को जोड़ने की या म्यूजिक डालने की। हम जानते हैं कि म्यूजिक आपके शॉर्ट वीडियोस में बहुत अहमियत रखता है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए हमने एक काफी बड़ी ऑडियो एक्सेस करने के लिए, आप जो रिकॉर्ड कैमरा पेज है उस पे म्यूजिक आइकन आपके स्क्रीन के एकदम बीचों बीच ऊपर की तरफ, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, पाया जाएगा। अगली स्क्रीन पे आप जाके मौजूदा गानों की पूरी लिस्ट देख सकते हैं, उनको गानों को आप सुन सकते हैं, और जब भी आप तैयार हो आप वो ब्लू रंग का जो एरो है, नीले रंग का जो एरो है, उसे आप दबा सकते हैं। अब ऐड करने के बाद आप ट्रिम का आइकन भी दबाकर अपने वीडियो और ऑडियो की जो अपनी पसंद के अनुसार जो सिंक है, जिनको जो मिलाना होता है वीडियो और ऑडियो को, जो मैच करना होता है, वो आप, यानी कि यहाँ पे पोजिशन भी इस टैप के जरिए कर सकते हैं। तो स्पीड टूल के लिए आप कैमरा की स्क्रीन पर स्पीड का आइकन दबा सकते हैं, वो आपको अपने आप एक स्पीडोमीटर दिख जाएगा, वहां से आप स्लो या फास्ट मोशन कंट्रोल कर पाएंगे। और अगर आपको एक टाइमर लगाना है जो ट्रिगर हो या जो चालू हो जैसे ही आप वीडियो रिकॉर्डिंग करें, जब आपको एक काउंटडाउन चाहिए, तो आप बस टाइमर आइकन पे दबा सकते हैं। इससे एक टाइमर का मेन्यू खुल जाएगा जहां आप अपने काउंटडाउन की लेंथ की उल्टी गिनती कहां से शुरू हो, 10 सेकंड से हो, 20 सेकंड से हो, आप वहां पे इसको दबा के इसका चॉइस कर सकते हैं। चलिए, आपने शॉर्ट वीडियोस तो बना लिया, शॉर्ट पहले यूट्यूब शॉर्ट्स आपने बनाया, बात करते हैं अपलोड की। नेक्स्ट का जो कैमरा बटन स्क्रीन पर दबाने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक डिटेल की स्क्रीन आएगी, जिसे हम मेटा डेटा कहते हैं। यहाँ पे आप अपनी वीडियो से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन, टाइटल, उसका शीर्षक या डिस्क्रिप्शन और प्राइवेसी सेटिंग, जैसे ये वीडियो पब्लिक होना चाहिए, प्राइवेट होना चाहिए, अनलिस्टेड होना चाहिए। अब अगला कदम, ये करने के बाद आप अपलोड का बटन दबा सकते हैं और बस फिर हो गया। आप अपने वीडियो मैनेजर में जाकर ये देख सकते हैं कि वीडियो कहाँ तक अपलोड हुआ है, अगर आप इसे फिर से कुछ एडिट करना चाहते हैं तो वो भी आप इस, और अगर आपके पास ऐसा कॉन्टेंट पहले से है तो जल्दी से ये भी देख लेते हैं कि उसको अपलोड कैसे करना है। प्रोसेस एकदम सेम है जैसा हमने कुछ स्लाइड्स पहले देखा। अपने YouTube मोबाइल ऐप पर आप साइन इन करिए और इस बार क्रिएट बटन पर आप क्लिक कीजिए। यहां से आप नए वीडियो अपलोड करने के ऑप्शन पे जाएंगे। दूसरा स्टेप, अपने कैमरा रोल आता है, कैमरा रोल पूरा खुल जाएगा वहां पे, और कैमरा रोल से जो आपके पास मौजूदा एग्जिस्टिंग जो आपके शॉर्ट वीडियो एप्स, जो पुराने आपने कुछ वीडियोस बनाए होंगे, उनको अगर आप जिसको अपलोड करना चाहते हैं उसको टैप करें, वीडियो को फिर आप तीसरे स्टेप में रिव्यू कर सकते हैं, और जब आप तैयार हों नेक्स्ट का बटन दबाइए, फिर से आप आ जाएंगे हमारी डिटेल्स की स्क्रीन पर, यहाँ अपलोड का बटन दबा सकते हैं और फिर से आप अपने वीडियो मैनेजर में जाके देखिए।